हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन और आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एक शरबत की रेसिपी जो ये समर सीजन के लिए बहुत ही बेस्ट एंड यूजफुल रेसिपी कहा जाता है, जो आपको ठंडक पहुंचाएगी, आपको डाइजेशन में रिलीफ देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है सब्जा। सब्जा यानी बेसिकली तुलसी के बीज भी कहा जाता है। इससे पेट में बहुत अच्छा ठंडक मिलती है। तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के, इसको है ना तुरंत ही ये भीग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। तो इसमें कुछ टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस जितना है इसके ऊपर तक, और इसे छोड़ देंगे। तब तक मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, इसे साइड में रख दूंगी। तो हम बनाने जा रहे हैं जीरा का शरबत। तो यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून जीरा भर के ले लूंगी। ग्राम के हिसाब से मैं नहीं बताऊंगी, आप कोई भी एक चम्मच ले लो, उस चम्मच का मेजर सेट कर लो और उसके हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स निकालने। तो यहाँ पर जीरा ले लिया और यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच भर के, वो ही चम्मच सौंफ ले रहे हैं, जो पेट को बहुत ही ठंडक पहुँचाती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होती और आपको जो एसिडिटी जलजल होता है, आँख में जलन होती है, उससे रिलीफ होती है। साथ में यहाँ पर काली मिर्च ले रही हूँ, ये भी आपको डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट ये ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये जो लौंग है वो निकाल लूँगी, लौंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में बताती हूँ। तो लो टू मीडियम फ्लेम हम रखेंगे और इसे भून लेंगे, जब तक इसका एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू महकना ना लग जाए, या फिर ये काली मिर्च जो है थोड़ी सी गर्म होके फूटने लग जाए। बट ध्यान रहे कि हमें कलर नहीं चेंज करना है और ये जले ना, नहीं तो टेस्ट आपको कड़वा लगेगा। तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे 5 मिनट फैन के नीचे ठंडा होने छोड़ दूंगी। तब तक मैं आपको दूसरा इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, जो यहाँ पर मैंने रखा है मिश्री पिसा हुआ। आपको लग रहा होगा शक्कर पीसी है, नहीं, इसमें ना शक्कर यूज कर रहे हैं ना ही गुड़ यूज कर रहे हैं, ये मिश्री है, मिश्री के ढेले है जो हमने इसे पीस लिया है। ध्यान रहे इसमें कभी कभी धागे भी आते हैं, तो धागे बहुत ज़रूरी है निकालना, नहीं तो मुंह में आ जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है, अगर आप किसी को दे रहे भी हो तो सर्व करने के टाइम। तो यहाँ पर ये मिश्री को मैंने पीस लिया। अब मिश्री कितनी ली है, तो यहाँ पर मैंने मिश्री 100 ग्राम्स लिए, हाफ कप का मेजरमेंट है, उस कप का साइज लिया है। और ये हम जो है बना रहे हैं एक प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स क्या होता है, प्रीमिक्स ये होता है कि हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप एक पाउडर बना लो और उसे लाइफ लॉन्ग स्टोर करने के लिए, ज़्यादा टाइम स्टोर करने के लिए, जैसे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जिस तरह से जो वेरिएशन बनता है उस तरह से आप बना के उसे फ्रिज में रखना चाहो तो फ्रिज में, और अगर जो उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, बाहर रख सकते हो तो बाहर। तो इस तरह से आज हम बना रहे हैं जीरा शरबत का प्रीमिक्स। तो ये प्रीमिक्स ऐसा है कि आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो या बाहर से थके हारे आ रहे हो, धूप में जा रहे हो, एक बॉटल बना लो, पाउडर डाल के, पानी डाल के या सोडा डाल के, दैट्स इट, रेडी टू यूज है। तो यहाँ झटपट बनने वाला प्रीमिक्स आपको बता रहे हैं। तो अब हम इसी में ये सब डाल देंगे और इसे भी पीस लेंगे और छान लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी दरदरा रह जाते, तो हमें दरदरा नहीं चाहिए। तो ये हमारा प्रीमिक्स बन के रेडी है, बट इसमें अभी भी 1-2 इंग्रेडिएंट्स और डालना है एंड देन इट्स रेडी टू यूज। आप इसे एक बॉटल में स्टोर कर सकते हो और जब आपकी मर्जी हो आप बनाकर पी सकते हो। तो अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। तो काला नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ काला नमक।
पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून जितना, और अब इस सबको मिक्स करके छान लेंगे। ये एक चलनी है, इसमें डाल लेंगे। आपको दिख रहा होगा ये जो मोटे मोटे दरदरे जो निकल रहे हैं, इसे हम फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ हमारा प्रीमिक्स बनके रेडी है। अब हम एक भरकर चम्मच इसमें ऐड करेंगे और बाकी का बचा आप स्टोर कर सकते हो। सेम वे हम इसमें एक चम्मच, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा पहुंचाता है, बाकी का आप स्टोर में फ्रिज कर सकते हो और फिर से एक और बार बनाकर पी सकते हो। यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते, ये भी बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, बहुत अच्छा होता है। एंड हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे। तो इसमें मैंने नींबू ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ठंडा चिल वाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो, बट थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कॉफ हो जाता है ठंडा पानी से। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कितना अमेजिंग दिख रहा है। इसी तरह से आप रिलिश कर सकते हो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये डिसॉल्व हो जाए। तो ये हमारा प्रीमिक्स से जीरा शरबत बनके रेडी है। तो आई होप आप भी एंजॉय करोगे, ये गर्मी के सीजन में आप भी बनाइए। एंड बेस्ट ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़रूर एक बॉटल कैरी करिए, इसे बनाकर आप स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में एंड फिर आपके साथ ट्रैवल के टाइम लेके जा सकते हो। बनाकर आप बॉटल में फ्रिज में रख सकते हो, जब बाहर से आप आओ तब आप चिल्ड निकालो एंड आप पीने के लिए रेडी कर सकते हो डायरेक्टली इसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी, आप भी ट्राई करिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।